हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का सेकंड सेमेस्टर है हायर नॉन कोर डेटा, जिसके अंदर आप स्टडी करते हैं पाइला ग्लोबोसा के बारे में, फाइलम मोलस्का के अंदर। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइला ग्लोसोबा, और आज मैं इस वीडियो के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइला से रिलेटेड वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें कहाँ से पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। सो अभी तक मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन पाइला ग्लोसोबा का है, वो है इसका नर्वस सिस्टम। पाइला का नर्वस सिस्टम मैं अपलोड कर चुका हूँ चैनल के अंदर, आप देख सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पाइला, ये भी मैं टॉपिक अपलोड कर चुका हूँ और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नंबर थर्ड पर है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पाइला, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पाइला से रिलेटेड हर साल कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसका जो नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है, सेंस ऑर्गन्स में आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछता है। यहाँ तक कि ऊपर की जो चार जो दिखाई दे रहे हैं इसमें नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ये चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर ये जो सेंस ऑर्गन्स है और इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और इसमें इसमें सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें कोई जैसे ऑस्पिरेडियम है या स्टेटोसिस्ट है, मतलब इसमें जितने भी सेंस ऑर्गन्स है वो दो नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। और ये जो मैं आज अपलोड करने वाला हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ पाइला लॉन्ग में नहीं पूछा जाता, हमेशा शॉर्ट में ही क्वेश्चन इसके बारे में पूछ लिया जाता है। इसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। हालांकि इसको सबसे पहले डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया था सबसे पहले मैं आपके एग्जामिनेशन पेपर के को देखते हुए सबसे ज्यादा पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही आपको यहां पर वीडियोस अपलोड करूंगा। तो अभी मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ पाइला, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हेडिंग डालेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ पाइला। पाइला के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और ये जो दो डायग्राम्स हैं जिसकी हेल्प से हम पाइला के एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा पाइला से रिलेटेड जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड एग्जाम पेपर में हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाता। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में कभी कभी बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि ये 3.5 नंबर में पूछ लिया जाए कि डिस्क्राइब द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ पाइला और इसकी फिजियोलॉजी, मतलब इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसकी फिजियोलॉजी किस तरह से होती है ये भी आपको बताना पड़ सकता है। सो यहाँ पर आप जैसा कि देखेंगे, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सांस लेते हैं तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू लेते हैं, मतलब वो ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के वो ऑर्गन जो कि रेस्पिरेशन में सांस लेने में हेल्प करते हैं, वो एक पूरा एक सभी ऑर्गन्स मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम बोल देते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मतलब वेस्ट मटेरियल जैसे कि यूरिन को बाहर पास करने का जो प्रोसेस होता है वो सब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में ही पढ़ते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है। अब उसमें जो ऑर्गन्स हेल्प करेगा वो सभी के सभी ऑर्गन मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो पाइला में एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और किस तरीके से इसमें फिजियोलॉजी होती है वही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर पाइला आपको पता है कि ये मोलस्का के अंदर आता है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ मोलस्का, मतलब कि मोलस्क के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ बेजेनस और किडनी, इसको हम बेजेनस बोलते हैं या फिर किडनी बोल देते हैं, ठीक है। अब इन पाइला ए बिग किडनी विल वर्क एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन, पाइला के अंदर एक बड़ी सी किडनी की तरह एक स्ट्रक्चर है जो कि एक्सक्रीटरी, मतलब कि एक्सक्रेशन में हेल्प करती है, जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह हेल्प करती है। इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड, और ये पाइला के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है, एंड इट हैज टू चैम्बर, इसमें दो चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें दो चैम्बर है, एक तो राइट एंटीरियर चैम्बर और एक लेफ्ट पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है, ये एंटीरियर पर प्रेजेंट होगा, ये पोस्टीरियर पर प्रेजेंट होगा। सो इट हैज टू चैम्बर, वन इज ऑन द राइट एंटीरियर एंड साइड एंड सेकेंड इज द लेफ्ट पोस्टीरियर साइड, ठीक है। अब हम यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो आपको ये दोनों चैम्बर्स आपको वहां पर एक्सप्लेन करने होंगे। राइट एंटीरियर चैम्बर के बारे में आप बताएंगे, राइट एंटीरियर चैम्बर में आप क्या बता सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर के बारे में कि इट इज ओवल शेप, ये ओवल शेप मतलब अंडाकार शेप का है, एंड इट इज रेड इन कलर, ये रेड कलर का होता है,
और भी कुछ पॉइंट्स जैसे कि इट इज प्रेजेंट एंटीरियर टू द पेरिकार्डियम, ये पेरिकार्डियम के जस्ट एंटीरियर प्रेजेंट होता है, आगे प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंटीरियर मींस आगे, एंड इट ओपन इनटू द ब्रैंकियल कैविटी ऑफ द पेलियल कॉम्प्लेक्स, ये जो है ब्रैंकियल कैविटी में ओपन होता है पेलियल कॉम्प्लेक्स के, सो द सेकेंड साइड ओपन इनटू द पोस्टीरियर चैम्बर, और फाइनली जो दूसरी तरफ से ये कहाँ पर ओपन होता है, पोस्टीरियर चैम्बर से। अभी आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा जब आप इसकी फिजियोलॉजी समझेंगे कि कहाँ से ये ब्लड में से एक्सक्रीटरी मटेरियल को निकालता है, कहाँ से सेंड होता है, तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी आप इसकी स्ट्रक्चर को और ये पूरा अच्छी तरीके से नोट कीजिए, डायग्राम भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं या स्क्रीन शॉट कर सकते हैं। नंबर सेकंड है राइट साइड, मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया राइट एंटीरियर चैम्बर, और नंबर सेकंड है लेफ्ट एंटीरियर चैम्बर, और जो कि आपने पढ़ा है कि लेफ्ट एंटीरियर चैम्बर ओन इट्स एट द लेफ्ट पोस्टीरियर साइड में, तो ये है राइट एंटीरियर चैम्बर, ये है लेफ्ट पोस्टीरियर चैम्बर। इट इज ब्रॉड लॉब, ये मतलब थोड़ा चौड़ा होता है और ब्राउन कलर का होता है, इट इज ब्राउन इन कलर, एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हिपेटोपेनक्रियास ग्लैंड, जैसे कि आपको पता है पाइला के अंदर हिपेटोपेनक्रियास ग्लैंड होता है जो कि काफ़ी उसके डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, उससे डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशंस होता है जो कि उसके फूड कोर्ट पाचन में हेल्प करता है, जस्ट उसके बराबर में, ठीक है, उसके मतलब लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है ये लेफ्ट पोस्टीरियर चैम्बर। अब आप इस ध्यान से इस डायग्राम को देखें, अगर आप हाँ यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं पाइला में, वो जनरली आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी व्हाट इज रीनल ऑर्गन, रीनल ऑर्गन के नाम से भी पूछा जा सकता है। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें इस डायग्राम में आप ध्यान से देखें तो ये है एंटीरियर रीनल चैम्बर, ये है एंटीरियर रीनल चैम्बर और ये पेरिकार्डियम होता है, ठीक है, इसकी पोजिशन आप ध्यान से देखिए, ये है इंटेस्टाइन, यहाँ पर ये इंटेस्टाइन का इसकी जगह है और ये एंटीरियर रीनल चैम्बर और ये पेरिकार्डियम, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है रीनल ऑर्गन को। नीचे जो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है आप यहाँ पर देखेंगे पोस्टीरियर रीनल चैम्बर, ये है पोस्टीरियर रीनल चैम्बर, और आप वहीं पर आप ध्यान से देखें ये है अफ्रंट विसल सेल्स। तो इसमें दो तरह के चैम्बर्स दिखाई दिए, नंबर फर्स्ट पोस्टीरियर रीनल चैम्बर, नंबर सेकंड एंटीरियर रीनल चैम्बर जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़, यहाँ पर भी देखो एंटीरियर रीनल चैम्बर, ठीक है, ये एंटीरियर नीचे वाला जो आपको एक पत्ते के जैसा दिखाई दे रहा है सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी उसी की पोजिशन है, ये है एंटीरियर रीनल चैम्बर और ये है पोस्टीरियर रीनल चैम्बर। अब इसके अंदर डिफरेंट रीनल वेसल्स प्रेजेंट है और ये साइनस को दिखा रहा है, यहाँ पर इसके अंदर जो एक लीफ की तरह स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर प्रेजेंट होता है डिफरेंट रीनल वेसल्स और ये है अफ्रंट रीनल साइनस, अंडरस्टैंड। और यहाँ पर आप देखेंगे यह है इंटेस्टाइन इन द पोस्टीरियर रीनल चैम्बर, पोस्टीरियर रीनल चैम्बर, ठीक है, इंटेस्टाइन इन द पोस्टीरियर रीनल चैम्बर और ये है ऑर्टिक एम्प्यूला यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ पाइला बना रहा है। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने पाइला के एक्सक्रेटरी सिस्टम को ध्यान से देखा, अभी उसकी फिजियोलॉजी को नहीं देखा, अभी हमने सिर्फ स्ट्रक्चर में देखा और स्ट्रक्चर में हमने देखा कि पाइला के अंदर एक किडनी के जैसा, ठीक है, एक ऑर्गन्स पाया जाता है जो कि एक्सक्रेटरी सिस्टम में हेल्प करता है, उसके एक्सक्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो अभी इसको नोट करें गाइज, अब आपको हेडिंग डालना है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रेशन। अब यहाँ पर पाइला की जो फिजियोलॉजी होगी एक्सक्रेशन में, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने क्या देखा कि पाइला के एक्सक्रेशन में एक एक्सक्रेटरी एक लीवर की तरह, एक किडनी की तरह एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो कि दो चैम्बर में बटी होती है, एक को हम बोलते हैं एंटीरियर रीनल चैम्बर और दूसरे चैम्बर को हम बोलते हैं पोस्टीरियर रीनल चैम्बर, ठीक है, और लोकेशन भी हमने उस वहां पर देख लिया था। अब हम देखते हैं इसकी फिजियोलॉजी, ये कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया दो चैम्बर होते हैं, दो रीनल चैम्बर होते हैं और दोनों के दोनों रीनल चैम्बर का काम क्या है, फंक्शन क्या है, एक्सक्रेशन करना, मतलब कि जो भी इसके बॉडी के अंदर जैसे अमोनिया या मतलब कि अमोनिया जो होता है या अमोनिया के कंपाउंड्स होते हैं, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, ये सब पाइला की बॉडी के लिए बिल्कुल हार्मफुल इफेक्ट है, मतलब कि हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं, मतलब उसकी बॉडी के लिए एकदम नुकसान है, तो इसको एक्सक्रेशन करने में ये हेल्प करते हैं, इसको बाहर निकालने में उसको हेल्प करते हैं। तो अब यहाँ पर ये किस तरीके से करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, जैसे ये जो दोनों के दोनों रीनल चैम्बर है, ये ब्लड से नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल जो कि अमोनिया कंपाउंड या मैंने जैसे कि मैंने बताया यूरिया या यूरिया यूरिक एसिड के रूप में हो सकता है, इसके फॉर्म में हो सकता है, उसको सबसे पहले ये सेपरेट करते हैं।
सेपरेट करने के बाद अब ये क्या करेगा, पोस्टीरियर रीनल चैम्बर जो होता है सेपरेट करने के बाद वो इस नाइट्रोजीनियस मटेरियल को एंटीरियर रीनल चैम्बर में पास कर देता है और एंटीरियर रीनल चैम्बर से ये न्यूकल लोब से होता हुआ बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, एग्जिट कर दिया जाता है। तो ये है प्रोसेस फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रेशन की, कैसे इसकी बॉडी से अमोनिया या अमोनिया के जो कंपाउंड्स होते हैं कैसे एग्जिट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो मटेरियल कौन कौन सा हो सकता है जो इसकी बॉडी से सिक्रेट होता है यूरिन के रूप में। तो वो हो सकता है जैसे अमोनिया, अमोनिया के कुछ कंपाउंड्स हैं, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, ये मोलस्का के अंदर होने वाला, ठीक है, मोलस्का के अंदर जनरली यही होता है। अब मैं आपको बताता हूँ जो पाइला होता है इसकी खूबी क्या है, इसके एक्सक्रेशन में खूबी ये है कि जब ये वाटर में रहता है तब ये अमोनिया को सेक्रेट करता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये वाटर में रहता है तब ये अमोनिया का सेक्रेशन करता है, ठीक है। और जब ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, अमोनिया एक ये पाइला जो होता है ये एक एम्फीबियस प्राणी है, मतलब ये बाहर भी सांस लेता है, बाहर भी धरती पर भी रह सकता है, टेरेस्ट्रियल भी है, लैंड पर भी वास करता है, और नंबर सेकंड ये पानी में भी रह सकता है। तो इसके अंदर ये एक एम्फीबियस नेचर का होता है और अब ये जब ये पानी में रहता है, वाटर में रहता है, तब ये अमोनिया का सेक्रेशन करता है और जब ये लैंड पर होता है, टेरेस्ट्रियल पर होता है, मतलब धरती पर रहता है, तब ये इनसोल्यूबल यूरिक एसिड का सेक्रेशन करता है। अगर सपोज दैट कि ये वाटर में होकर के यूरिक इनसोल्यूबल यूरिक एसिड को जो अगर उसके अंदर जमा करता वाटर के अंदर तो वो उसमें सोल्यूबल नहीं हो पाता, तो ये भी एक तरीके से वाटर कंजर्वेशन का कार्य करता है, ठीक है। तो ये था फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रेशन और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ज्यादातर पता नहीं होता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी पाइला वाटर में रहता है तो अमोनिया सेक्रेट करता है, ठीक है, उसमें जो उसका एक्सक्रेटिव मटेरियल है वो अमोनिया के रूप में होता है। नंबर सेकंड, जब वो टेरेस्ट्रियल पे होता है तो इनसोल्यूबल यूरिक एसिड को सेक्रेट करता है। डायग्राम ये याद रखना है, दो नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टाटा।